हेलो गाइस, आर्मी सीएमई कॉलेज पुणे में जो वैकेंसीज आई है, ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज मेरे बोर्ड पे है। और आज हम वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस वैकेंसीज के लिए मेडिकल होगा, किसके लिए फिजिकल होगा एंड किस वैकेंसीज के लिए स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। गाइस, जब हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन ओनली 2 पेज का है और 2 पेज में कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे रखा है कि वैकेंसीज के लिए क्या क्या होगा। और सभी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है कि वैकेंसीज में क्या होगा और कैसे इनका सिलेक्शन होगा। गाइज, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एमटीएस से, और एमटीएस से स्टार्ट करने से पहले आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। गाइज, मैंने पहले भी सजेशन दिया था और अभी भी दे रहा हूँ, क्योंकि एनडीए पुणे ग्रुप सी की वैकेंसीज में ऑलमोस्ट 20% कैंडिडेट ने मिस्टेक की है कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है वो यहाँ पे स्टेट का लगा है, लेकिन इन वैकेंसीज में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कास्ट में रिलैक्सेशन चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज किसी भाई ने या बहन ने गलती की है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रहे, सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंट्रल का ही लगेगा, ठीक है। एमटीएस की वैकेंसीज की बात करेंगे। गाइस, जो एमटीएस में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, यानी जो वैकेंसीज आई है, सफाई वाला की वैकेंसीज आई है, मैसेंजर की वैकेंसी आई है और यहां पे माली की वैकेंसी आई है। गाइस, माली की वैकेंसीज में क्या ही काम होगा, सफाई वाले में झाड़ू मारनी है। गाइस, उसमें क्या टेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा भाई। इसमें एमटीएस में जो पूरा खेल है ना, एमटीएस में कुक की वैकेंसीज को छोड़ के, बाकी एमटीएस में कुक की वैकेंसीज नहीं आती है, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन है जिनमें कुक की वैकेंसीज भी एमटीएस में आती है, ठीक है। एमटीएस की जो वैकेंसीज है ना, उसमें 101% जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो रिटन टेस्ट के बेहाप पे बनेगी। इसमें आपका कोई फिजिकल नहीं होगा, रनिंग नहीं होगी, हाइट आपकी कितनी भी होगा, झाड़ू मरवानी है आपसे या गन लेके आपको बॉर्डर में भेजना है, झाड़ू मरवानी है कॉलेज में, झाड़ू मरवानी है जो यहाँ पे कॉलेज है पुणे में। उसके लिए क्या हाइट चाहिए, क्या वेट चाहिए, एक चपड़ासी के लिए हाइट वेट कहाँ मैटर करता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होना भाई, कितना आप दौड़ते हो कोई मैटर नहीं, लेकिन हाँ, एक चपड़ासी के लिए लेबर क्लास जो वैकेंसीज है एमटीएस की, उसके लिए मेडिकल फिट होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ओनली मेडिकल होगा इस वैकेंसीज के लिए, ठीक है यहाँ पे। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एलडीसी की वैकेंसीज मैं लिख रहा हूँ, आपको कन्फर्म रहे, एलडीसी प्लस कुक प्लस सीएमडी यानी सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो वैकेंसीज है, इनके लिए प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट किन के लिए होगा, ओनली एलडीसी के लिए होगा। एलडीसी में स्किल टेस्ट क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट में जो यहाँ पे टाइपिंग है 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में और 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी है तो न्यूज़पेपर से करो, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, अगर कोई हिंदी से है तो हिंदी के न्यूज़पेपर से करो, क्योंकि वहाँ पे जब आपका स्किल टेस्ट होगा यानी टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपको न्यूज़पेपर फाड़ेगा, ऐसे दे देंगे करो टाइपिंग, तो यहाँ पे आपको करनी होगी। अब प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट किसके लिए होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कुक के लिए। अब गाइज, आप भी जानते होंगे, आपने 10th और 12th में जब प्रैक्टिकल दिए है तो क्या होगा प्रैक्टिकल में, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो करवा के देखेंगे भाई, कुक पे है, खाना बनवा के देखेंगे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्टर्न फूड, ये सभी बनवा के देखेंगे, क्योंकि सीएमई पुणे कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया से वर्कर है और वहां पे ऑल ओवर इंडिया का खाना बनेगा, यानी जो काम करते हैं उनका खाना बनेगा, तो कुक पे कुक का काम करवाएंगे, ठीक है। सीएमडी में यानी जो मोटर ड्राइवर है, ड्राइवर का क्या काम होता है, यहाँ पे ड्राइवरी करवा के देखेंगे। और गाइस, जब आपकी ड्राइवरी होगी तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में क्या आपसे पूछेंगे, आपको सिग्नल के बारे में पूछेंगे, लाइट के बारे में पूछेंगे कि ट्रैफिक लाइट कैसे काम करती है, और खास एक क्वेश्चन रहता है, येल्लो लाइट अगर है तो कैसे आपको काम करना है अगर आप रेड लाइट पे हो, क्योंकि येल्लो लाइट का कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, ये आपको पढ़ के जाना है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी वैकेंसीज में ड्राइवर से पूछते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों का यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी जो सभी वैकेंसीज है गाइस, बाकी सभी वैकेंसीज में यानी एलडीसी, कुक और सीएमडी को छोड़ के जो वैकेंसीज आई है, उन सभी में ना तो आपका प्रैक्टिकल, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ करवा के देखेंगे, ना आपका रनिंग होगी, भाग दौड़ कुछ नहीं होगा, लेकिन रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाइंग करने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जाम होगा, तो मेडिकल के लिए आप प्रिपेयर रहे। अगर रिटर्न टेस्ट में नंबर आए तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए जाए, हो सकता है कुछ वैकेंसीज ट्रेड टेस्ट में हो, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में कोई क्लियर नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। जो नोटिफिकेशन में लिखा है एग्जैक्ट मैंने वही बताया आपको कि यहाँ पे सिर्फ ओनली रिटन टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, फिजिकल तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप शांति से घर बैठो और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो ताकि आप अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। गाइज, ये रही फुल डिटेल, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो।